मेरे साथ मौजूद हैं उत्तम सागर जी महाराज और ये हमें आशीर्वाद देंगे सरवन बेलगुला में महामस्तकाभिषेक में आने के लिए और आप तक ये आशीर्वाद पहुंचेगा। श्रवण बेलगुला वास्तव में श्रवण बेलगुला नहीं, श्रमण बेलगुला है। श्रमण यानी साधु, जैनियों में जैन दर्शन में साधु को श्रमण शब्द दिया है, श्रमण संस्कृति। तो यहाँ साधुओं का वास्तव में मेला लगता है, हजारों सालों से यहाँ साधुओं का मेला होता है और इस मेले को देखना है। श्रावकों का मेला तो बहुत जगह लगता है, लगा है, लग रहा है, लेकिन साधुओं का मेला देखना है और दिगंबर जैन साधुओं का मेला देखना है तो श्रवण बेलगुला में आइए और यहाँ आकर के इस श्रवण बेलगुला में आकर के भगवान बाहुबली जो भारत का सातवां आश्चर्य हैं, ऐसे आश्चर्यकारी वीतरा प्रभु बाहुबली की मूर्ति का दर्शन करो। विश्व में इससे भी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई लोगों ने, लेकिन इसकी जोड़ी कोई मूर्ति आज तक नहीं बनी है। इतने ज़बरदस्त मूर्ति देखते ही भाव ही अलग हो जाते हैं, क्या ऊर्जा भरी हुई यहाँ पे। अब भी बैठे बैठे मैंने सोचा, जो भाग्यशाली होते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ आते हैं सौभाग्यशाली हो जाते हैं, सौ गुना उसका भाग्य बढ़ जाता है। तो जिसका परम भाग्य है उसकी ज़िंदगी का कहना है क्या, वाह जिंदगी बन जाती है, वाह वाह जिंदगी बन जाती है। और हमारे जैनियों के दो ही तीर्थ हैं, मात्र जैनियों के दो ही साक्षेत सच्चे तीर्थ हैं, जहाँ सारे श्रावक और सारे साधु एक ही जगह होते हैं, एक सम्मेय शिखर जी, एक श्रवण बेलगुला। सब लोग अवश्य आ जाना और बाहुबली के दर्शन करके तन मन में ऐसा बल प्राप्त करना तो एक दिन बाहुबली बन जाना, यही हमारा आशीर्वाद है। आचार्य विद्यासागर जी गुरुदेव के शिष्य, परम शिष्य मुनि उत्तम सागर जी महाराज के आशीर्वाद आज हमने सुने और इन्होंने बहुत ही सही बात कही कि हमारे दो ही प्रमुख तीर्थ हैं, एक सम्मेद शिखर जी और एक श्रवण बेलगुला। अगर हम श्रवण बेलगुला नहीं आ पा रहे हैं इस महामस्तकाभिषेक में तो अपने जीवन में कहीं ना कहीं हम कुछ चीज़ को खो रहे हैं, इसलिए आज ही मन मनाइए और श्रवण बेलगुला पहुँचिए।